नमस्कार, मैं गरिमा भारद्वाज, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मंगलवार 27 जुलाई को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाने वाला दूसरा टी20 मैच एक दिन के लिए टाल दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर कुणाल पांड्या कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मंगलवार सुबह उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ, जिसमें उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोविड पॉजिटिव खिलाड़ी कुणाल पांड्या के संपर्क में दल में से 8 लोग आए थे। इन सभी 8 सदस्यों को आइसोलेट कर दिया गया है। भारतीय दल में कोविड पॉजिटिव आने के बाद आज सभी खिलाड़ियों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जा रहा है, जिससे कि दल में से किसी भी तरह की कोविड की आशंका को खत्म किया जा सके। कोविड की वजह से दौरे पर पड़े असर को देखते हुए दूसरे टी20 मैच की तारीख बदल दी गई है। दूसरा टी20 एक दिन की देरी से बुधवार 28 जुलाई को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं तीसरा टी20 मैच अपने निर्धारित समय पर 29 जुलाई को होगा। कुणाल पांड्या के कोविड पॉजिटिव आने का असर भारत के इंग्लैंड दौरे पर जाने वाले खिलाड़ियों पर भी पड़ेगा। श्रीलंका में टीम के साथ मौजूद पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव को श्रीलंका सीरीज के ठीक बाद इंग्लैंड रवाना होना था, लेकिन अब उनके इंग्लैंड जाने की तारीख को लेकर आखिरी फैसला लिया जाएगा। भारतीय दल में कुणाल पांड्या के कोविड पॉजिटिव आने को लेकर जानकारी मंगलवार सुबह में, जब भारतीय दल का कोविड-19 रैपिड टेस्ट किया गया। हालांकि एक अच्छी खबर ये भी है कि श्रीलंकाई दल में किसी भी खिलाड़ी के पॉजिटिव होने की खबर नहीं है। श्रीलंकाई टीम का बुधवार सुबह फिर से कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम शॉर्टर फॉर्मेट में 6 मैचों के दौरे के लिए श्रीलंका में मौजूद है। श्रीलंका दौरे के 4 मैच खेले जा चुके हैं। भारत ने वनडे सीरीज को 2-1 से जीता था, जबकि टी20 सीरीज में वो 1-0 से आगे है। आपको बता दें कि पहले ही कोविड-19 की वजह से भारत श्रीलंका की शुरुआत अपने तय शेड्यूल से लेट हुई है। इंग्लैंड में भी भारतीय दल में मिले थे केस। जुलाई महीने की शुरुआत में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज के लिए मौजूद भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य दयानंद भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद इन दोनों सदस्यों के अलावा इनके संपर्क में आए विकेटकीपर रिद्धिमान साहा, बॉलिंग कोच भरत अरुण और टीम के एक रिजर्व प्लेयर अभिमन्यु ईश्वरन को आइसोलेट किया गया था। आपके लिए ये खबर लेकर आए हैं सूरज, आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का हटने के बाद अब बारी है ऐप की। ललन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।